नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीएनएन न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। झारखंड में पेट्रोल और डीजल नए साल में 25 रुपए तक सस्ता मिलेगा। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह ऐलान किया है, लेकिन इस सस्ते पेट्रोल डीजल का लाभ सिर्फ बीपीएल कार्ड धारकों को मिलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बताया कि 26 जनवरी से झारखंड में बीपीएल कार्ड धारकों को पेट्रोल और डीजल 25 रुपए सस्ता मिलेगा। बता दें कि झारखंड पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन सरकार से पेट्रोल पर 5% वैट घटाने की मांग कर रहा था। उनका कहना है कि अगर सरकार वैट की दर 22% से घटाकर 17% कर दे तो लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। एसोसिएशन का कहना था कि झारखंड के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और ओडिशा में डीजल की कीमत कम है। ऐसे में झारखंड से चलने वाले वाहन पड़ोसी राज्यों से डीजल भरवा रहे हैं, जिसके चलते उन्हें नुकसान हो रहा है। एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक सिंह ने कहा कि पेट्रोलियम डीलरों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चिट्ठी लिखी थी और वित्त मंत्री से मुलाकात भी की थी, लेकिन अब तक कोई परवाह नहीं की गई है। अशोक ने बताया कि वित्त मंत्री से मुलाकात कर उन्हें इस संबंध में ज्ञापन सौंपा था, लेकिन उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया। खबरों में अब तक बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीएनएन न्यूज़।